गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज बने हैं पकौड़े। ठंडी के मौसम में अपने ही मज़ा है पकौड़ा खाने में। तो आपको भी मज़ा आता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बता देना। तो बेबी, आपको मज़ा आ रहा है पकौड़े खाने में? स्वेटर पहन के तो और ठंडा लग रहा है ना। हम लोग बाहर बैठे हैं और धूप बहुत कम निकली है, मतलब छुप गई इस पेड़ की वजह से। देखो, ये पेड़ की वजह से अच्छे से आ नहीं पा रही। और अपन के लिए बने हैं पकौड़े। कल की वीडियो देखना भूले तो नहीं है ना? हाँ, देख लेना ना। और ये ब्रेड का पकौड़ा है, गरम गरम खाने में तो और ही मजा आता है ठंडी के मौसम में। फिलहाल मैं टॉपिक पे आता हूँ। आज बनने वाला है एक न्यू वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। और मम्मी लाई है मम्मी आज बनाने वाली है अचार। और कौन सा अचार ये, आप वीडियो में पता कर लेना। और हम लोग उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ये पार्टी में आइसक्रीम खाई थी, ये है वो शख्स, गंदी बच्ची। तो मम्मी भी अपना पकौड़ा ले आई है, ब्रेड का पकौड़ा बना है, तो फटाक से पहले खा लेते हैं, उसके बाद जब रेसिपी का टाइम आता है तब हम आपको उसको शेयर करते हैं। जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक के देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी कर देना। गाइस, मेरे को जाना है स्कूल, और फटाफट से मैं आपको दिखा दूं आंवला कैसे बनता है। ये देखो, देखो कोई भी चीज लाने के बाद उसे अच्छे से साफ कर देना चाहिए। हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के हाथ लगे रहते हैं। अभी इसको कुकर में डाल के क्या करूँगी मम्मी? इसको कुकर में डाल के ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब ये एक गिलास पानी, ये आंवला आधा किलो आंवला इस कुकर में डाल के थोड़ा सा गिलास पानी, और ये एक गिलास पानी। अब इसको चढ़ा देंगे कुकर में, पहले इसमें चढ़ाएंगे। अरे तू आ गई। और अब इसे ऑन कर देंगे, गैस ऑन किए, और दो सीटी आते तक सीटी लगाना है, बस दो सीटी, वो भी गैस तेज रहेगा और दो सीटी लगाना है। गैस फुल में रहेगा, दो सीटी लगाना है, और आंवला को छोड़ दो। अब गाइस, ये आंवला अभी उबल चुका है, और देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है, और धुआं निकल रहा है, इसमें से भाप आ रहा है। ये पानी का क्या करोगे मम्मी? इस पानी को, ये पानी आंवले का ही जूस का निकला है, तो इसमें काला नमक और जीरा डाल के इसको पी सकते हैं, या तो फिर जैसे जो बालों में मेहंदी लगाते हैं वो, इसको ठंडा करके इसमें मेहंदी घोल सकते हैं। तो गाइस, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, इसे भी यूज किया जा सकता है। और ये हमारा आंवला रेडी हो गया। फिलहाल ये अभी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम लोग पील कर रहे हैं, मतलब इसे छील रहे हैं। नहीं, इसके सारे पीसेस अलग कर लेते हैं, वो अपने उबलने के बाद ना अपने से, ये देखो ऐसे ऑटोमेटिक खुद ब खुद ये अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर इसको अलग अलग कर लेंगे, और इसको किसी थाली बड़े बर्तन में, अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए इसको धूप में रख देंगे, और उस तब तक हम इसके मसाला रेडी कर लेंगे। हाँ, तो चलो अब इसको धूप में रख देते हैं। जाओ तुम रख के आओ इसको धूप में। फ्रेंड्स, इसको रख देता हूँ मैं धूप में अच्छी जगह यहाँ पे। और अब ये सूखेगा आराम से। ये देखो, मैं रेडी हो चुका हूँ स्कूल के लिए, अब बस खाना खा के निकलता हूँ फटाक से। गाइस, मेरे स्कूल से आते तक के इसका मसाला भी रेडी हो जाएगा, और इससे ये सूख भी जाएगा, फिर मम्मी इसका मसाला रेडी कर देगी, तब हम लोग इसको दिखाने वाले कि ये कैसा रेडी होता है। और वीडियो को इसलिए एंड तक के जरूर देखना। स्कूल से आ चुका हूँ, और मम्मी ने बोला चलो स्टार्ट करते हैं आंवला का अचार बनाना। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको क्या चीज है। मम्मी, ये नमक, ये हल्दी, और ये क्या है? ये पीली सरसों की दाल है। ब्लैक सरसों को ही दरदरा पीस के ऐसे दाल को निकालते हैं, लेकिन मार्केट में ये डायरेक्ट दाल अवेलेबल रहता है, तो हम लोग सीधा दाल का उपयोग कर रहे हैं। और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये सरसों तेल है, ये हमारा आंवला, ये धनिया पत्ती, ये लहसुन, ये पूरा एक बड़ा लहसुन है, और ये 6 मिर्ची। और जैसे ज्यादा तीखा खाना है तो मिर्ची बढ़ा सकते हैं, वैसे हम ये पूरी मिर्ची भी नहीं डालेंगे, इसमें से भी हम बताएंगे आपको कितना डाल रहे हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जार लेंगे, जार में हम लहसुन जो हमने छील के रखा है, और ये हरी मिर्च 6, इसकी डंठल हमने तोड़ ली है, और ये धनिया पत्ती है, ये हमने धो के पहले से रखा था, तो हम अब डायरेक्ट इसको पीस लेंगे। तो इसको हम पहले पीस लेंगे गाइस। तो ये हमारा वो जो लहसुन, मिर्ची और धनिया का
ये पिसा गया है। ज्यादा हमको इसको पेस्ट नहीं बनाना है और इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं मिलाना है, जैसा ये रहेगा वैसे ही पेस्ट पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए हमारा इस टाइप से पिसाया है। तो अब हम गैस से आलू कर लेते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है और इसमें तेल डालेंगे, ये सरसों का तेल है। तो ये आधा किलो आंवला था तो हम इतना तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो गाइस ये सब तो उतना ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये कच्चा रहता है तो इसको हम थोड़ा सा, सरसों तेल जब गर्म होगा तो हम इसमें ये पेस्ट जो हमने बनाया था सबसे पहले उसे डालेंगे, ताकि वो तेल में थोड़ा सा डालेंगे। आपको तो पता है आधा किलो आंवला था हमारा, तो हम इसमें डालेंगे एक दो ये तीन और ये थोड़ा सा सरसों। इतना हल्दी, ये हमारे घर मिर्च कम खाते हैं तो हमने तो पहले भी 6 हरी मिर्ची डाली थी, तो हम लाल मिर्च थोड़ा सा डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची बढ़ा सकते हैं। और ये नमक हम बाद में डालेंगे आंवला डालने के बाद। अभी हम इन मसालों को थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गया, तो अब हम इसमें अपने आंवले डाल देंगे जो हमने धूप में सुखा के रखे थे। नमक, क्या नमक ना शुरू में किसी भी अचार में ज्यादा डालते, वो बाद में कम हो जाता है क्योंकि, तो इसलिए अब हम नमक अभी 2 चम्मच भर के डाले और ये थोड़ा सा। अब हम इन सब चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे और गैस भी बंद कर देंगे। फिर हमारे मसाले तो फ्राई हो गए थे, आंवले को हमको पकाना नहीं है, बस केवल हमको मसाले को पकाना था, वो हमने पका लिया और अब हमने गैस बंद कर दिया है। ये देखिए गैस बंद है। अब इन मसालों को आलू में अच्छे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे आलू में ज्यादा मिर्च नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने लाल मिर्च ज्यादा डाला नहीं है। अच्छे से सारे आलू को मसाला लग जाए ऐसे मिलाना है। ये हमारा आंवले का अचार बनके रेडी है। अब हम इसको पूरे साल भर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा क्योंकि हमने कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं डाली है जिससे खराब हो, और हम केमिकल को तो बिल्कुल उपयोग भी नहीं किए हैं इसमें, और ये अचार हमारा साल भर तक रहेगा और हम साल भर तक अपने आंवले का अचार खा सकते हैं। तो देखिए गाइस अब हम इसको किसी अपने डब्बों में जार में पैक करके रख देंगे और ये इतनी जल्दी रेडी हो जाता है कि आप इसे आज से ही खाना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारी बेबी टेस्ट कर रही है, कैसा लगा? कैसा बेटा? एकदम सही। तो गाइस आप भी ऐसे आंवले का अचार बनाएं और अपने परिवार के साथ इसका मजा लें। गाइस तो इस तरीके से हमारे आंवले का अचार रेडी हो गया है और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें आंवले का अचार, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस। गाइस आज मेरी मम्मी ने आंवले का रेसिपी शेयर किया आपके साथ, तो बताना कमेंट में कैसा लगा आपको, और कमेंट में कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। आप भी बनाइए और खाइए अपने फैमिली के साथ, और बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आप इस रेसिपी का यूज करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आज तो पार्टी हो गए भैया, रात के खाने में हमको ये आंवले का अचार खाने को मिलेगा, क्योंकि इसे अभी भी खा सकते हैं, ये रेडी हो गया बनके, इसको खाने के लिए और वेट नहीं हो रहा।
तो फटाक से रात को खाता हूँ यार आंवले की रेसिपी। तब तक के आप वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक करना मत भूलना, लाइक भी कर देना, बेबी के लिए लाइक कर दो। हाँ। तो गुड बाय।